आज देश भर में शिक्षक पर्व 2021 वर्चुअल तौर पर मनाया जा रहा। इस अवसर पर शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षक पर्व मना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर डॉक्टर एस राधा कृष्ण को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें कही हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण के लिए उन्होंने कहा कि सभी वयस्कों के बीच, बता दें कि शिक्षक पर्व 2021 वर्चुअल तौर पर आज से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। साथ ही इस दौरान इन सभी 44 पुरस्कृत शिक्षकों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। वहीं शिक्षक पर्व के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मना रही है। तो आज देश भर में शिक्षक पर्व है जो वर्चुअली तौर पर मनाया जा रहा। इस अवसर पर शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता पर जोर दिया जा रहा है।